कहते हैं, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे हे बंदे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ये बंदे। वो जो तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेंगे। सती मैया को भगवान ने त्यागा, कैलाश पर आई, समाधि में लगी, फिर उसके बाद खुलने के बाद तपस्या में लीन हो गई। अब देखो कथा सुना रहे शंकर भगवान, पार्वती मैया किधर बैठी है, सती मैया किधर बैठी, शंकर भगवान के बामांग में। लेकिन अब बामांग में नहीं बताया, त्याग दिया था, सामने बिठाया। सती मैया समझ गई मुझे त्याग दिया है। एक दिन की बात है, कथा सुनाते सुनाते बहुत सारे विमान जा रहे थे, बहुत सारे, उसमें देवी देवता बैठे हुए थे। देवी देवताओं को देखा, सती मैया ने पूछा कहाँ जा रहे थे सच सच के। देवी देवताओं की पत्नियों ने कहा कि अरे तुझे नहीं पता, तेरे पिताजी ने बड़ा यज्ञ किया है, उसमें हमको बुलाया है, उधर जाना है। तो कहा कि तुझे निमंत्रण नहीं आया। सती मैया सोचने लगी, मैं लाडली बेटी, मुझे निमंत्रण नहीं आया भगवान का। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं आया तो नहीं आया, मैं जाता हूँ। सारे देवता ने कह दिया हम जाते, सारे देवता चले गए। सती मैया शंकर भगवान के पास हाथ जोड़ के बोली, पिताजी क्या पे यज्ञ है, चलो। शंकर भगवान बोले, निमंत्रण आया क्या, निमंत्रण आया है क्या? जो कहा नहीं आया, मत जाना। जो कहा निमंत्रण पे, अरे पिताजी के घर पे निमंत्रण आया हो या ना आया, चले जाना चाहिए। चार जगह ऐसी है जहाँ पे बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, गुरु जी के जगह पे बिना निमंत्रण के चले जाओ, कैशव महापुराण की कथा हो रही, बिना निमंत्रण के चले जाओ, पिता के यहाँ पे बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए, और मित्र के यहाँ पे बिना निमंत्रण के चले जाना, निमंत्रण मत देखो। कहा शंकर भगवान कहते, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन दक्ष प्रजापति ने जानबूझ के निमंत्रण नहीं भेजा। क्यों? आपको बताया था ना कि दक्ष अहंकारी हो गया, अहंकार आने के बाद उसने एक सभा समारोह रखा, उस सभा समारोह में सारे देवता आए, सारे देवता, बड़े बड़े देवता आए, छोटे से छोटे देवता भी आए, तीन देवता और आए, ब्रह्मा विष्णु बोलो महेश, तीन आए। सब ने खड़े होकर प्रणाम किया दक्ष को, दक्ष जब आया सब ने खड़े होकर पुष्प की वर्षा, तीन लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु तीनों खड़े नहीं हुए। चल ठीक है, दक्ष ने देखा इंसान की इतनी, इंसान की देखो, मनुष्य के सामने हजार लोग खड़े हो रहे और एक नहीं खड़ा हो रहा, उसके तरफ भी नजर जाएगी, ये कौन है भाई साहब, हमको जानते नहीं क्या, एक नहीं खड़ा हो रहा है। तो दक्ष की नज़र गई तीनों पर, तो कहा ब्रह्मा जी पिताजी है, विष्णु जी दादाजी है, लेकिन ये तो शंकर तो मेरे जामाद है, इनको खड़े होके मुझे प्रणाम करना चाहिए, इन्होंने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। मंच पे आसंदित हुआ, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहाग्न, कहने लगा कोई भी सभ्य सभा में असभ्य व्यक्ति आ जाता है, सभा का स्वरूप बिगड़ जाया करता है। इधर उधर देखने लगे, असभ्य कौन है यहाँ पर, इधर उधर देख रहे थे। इतने में दक्ष ने कहा, बंदर की आंख वाला शंकर नहीं दिखाई देता क्या। इतने में नंदी तमक्खे खड़े हो गए, अब इसे जवाब देता हूँ। इतने में शंकर भगवान ने बुलाया, इधर आओ बैठो, कुछ मत बोलना। तो कह रहे आपको ये कुछ कह रहा है, कहते हरिहर निंदा सुनई जो कहना, होए पाप गो घात समाना। किसी की निंदा हो रही, शंकर भगवान की निंदा हो रही, भगवान विष्णु की, गुरु की निंदा हो रही, वहां पे टिकना नहीं चाहिए। ये आपकी निंदा कर रहा है, मैं क्यों टिकू, मैं कुछ बोलूंगा। शंकर भगवान बोले, भैया शांत सुनो, ऐसा कौन सा मनुष्य नहीं हुआ संसार में जिसको ससुराल की गाली ना खानी पड़े। सबको ससुराल की गाली खानी पड़ती है,
तो हम कहा कि हम भगवान हो के हमको ससुराल की गाड़ी खानी पड़ रही है, कोई बात नहीं, ससुर जी तो है, गाली दे रहे कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी में दक्ष इतना बोल गया अंत में श्राप दे दिया, इस बंदर की आंख वाले शंकर को कोई यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। जैसे का नंदी से नहीं रहा गया, नंदी खड़े हो गए और कहा, हे दक्ष प्रजापति, कब से आया मैं कर रहा है, ये मेरा वो मेरा, कब से शिव जी की निंदा कर रहा है, जा मेरा श्राप है तेरा मुख बकरे का हो जाए। जैसे कहा बकरे का हो जाए, इतने में यज्ञ के पंडित जी भृगु जी खड़े हो गए, उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, भृगु जी की बहुत बड़ी दाढ़ी थी, यहाँ तक कई लोगों की आदत होती है दाढ़ी पर हाथ घुमाने की बात करने की, हमारी नहीं बता रहे तुम्हारी बता रहे, हमारी तो आई भी नहीं, तो कई कई लोगों की दाढ़ी पर हाथ घुमाने की आदत होती, भृगु जी की आदत थी, भृगु जी खड़े हुए दाढ़ी पे हाथ घुमाकर कहा, हे नंदी, हे गणों, ससुर और दामाद के बीच में तुम क्यों बोल रहे, जाओ मेरा श्राप है, शिव जी के गण पाखंडी हो जाए, जैसे श्राप दिया सभी गण खड़े हो गए, हे बुड्ढे बाबा तुमने हमको श्राप दिया, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भीख मंगे हो जाए, अब एक पे एक कोई ना कोई श्राप दे ही रहा। इतने में शंकर भगवान सोचने लगे, हाय राम, पहले पुष्पों की वर्षा हो रही थी, अब श्राप की वर्षा हो रही है, क्या करें, हमको खिसक जाना चाहिए यहाँ से, हमारी वजह से बात बिगड़ रही है, कहीं पर भी अपने वजह से बात बिगड़ रही हो तो वहाँ से हमें चले जाना चाहिए। शंकर भगवान नंदी के साथ चले गए, नंदी गणों के साथ कैलाश में आनंद के साथ रहने लगे, लेकिन कोई धागा टूट गया, उसको गांठ मार के जोड़ सकते हैं, लेकिन वो दिखती है कि यहाँ से टूटा हुआ है, उसी प्रकार कोई सगे संबंधियों में नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, सलाह करके बांध दिया जा सकता है, लेकिन एक गांठ पड़ जाती है, किसने मेरा अपमान किया था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। कभी शंकर भगवान तो रहने लगे, लेकिन दक्ष ने एक यज्ञ कराया कनखल में यज्ञ कराया, यज्ञ कराने के बाद दक्ष प्रजापति ने छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर एक देवता को बुलाया, लेकिन शिव परिवार को नहीं बुलाया, तो कहा यही कारण है कि दक्ष का निमंत्रण नहीं आया, मत जाना सती। सती मैया ने कहा मैं जाऊंगी। सती मैया गणों के साथ चली गई, नंदी भृंगी से भूत प्रेत के साथ चली, यज्ञ यज्ञशाला में पहुंची, सारे देवता जो साष्टांग दंडवत किया करते थे आज वो मुंह फेर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दक्ष ने कह दिया था यदि कोई भी शिव का परिवार आएगा, शिव जी आएंगे, सती मेरी बेटी आएगी, कोई प्रणाम नहीं करेगा, जो भी करेगा वो आज से दक्ष प्रजापति का दुश्मन होगा, किसी ने प्रणाम नहीं किया। सती मैया को अच्छा नहीं लगा, सती मैया अंदर गई, बहने मिली, बहनों ने ताना देते हुए कहा, अरे तुमको तो निमंत्रण आया ही भी नहीं था, तुम कैसे आ गई, अच्छा हुआ आ गई, कोई बात नहीं, ताना देते हुए कहा। सती मैया ने कहा ससुराल में तो माँ ही महत्वपूर्ण होती है, ससुराल में माँ नहीं तो ससुराल आनंदित नहीं होता है, माँ का ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अरे बात देखिए, पूरी इतने बड़े देवता है, पूरी यज्ञ हो रहा, लेकिन प्रसूति मैया यज्ञ में नहीं थी, क्यों नहीं थी प्रसूति मैया, क्योंकि अपने कमरे में बैठ के रो रही थी, मेरी 15 बेटियां आई लेकिन 16वीं बेटी मेरी सती लाडली बेटी नहीं आई। माँ ये होती है, माँ अपने बालक को उत्सव में नहीं देखती तो बड़ा उत्सव छोड़कर रोने लग जाती है। तो आज भी आपने देखा होगा जहाँ पे डिलीवरी होती है उधर एक नाम लिखा जाता है, प्रसूति भवन लिखा जाता है कि नहीं, क्योंकि प्रसूति मैया ही एक ऐसी थी जिन्होंने भगवान से बेटा नहीं बेटी मांगी थी, तभी भगवान से उन्होंने बेटी मांगी थी, इसलिए प्रसूति मैया का नाम लिखा जाता है। प्रसूति मैया को देखा, भगनी मिली बहुत मुस्काता, जो बहने मिली थी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही थी, कोई मुस्कुराए अच्छा, खूब ज्यादा ही मुस्कुराए तो फिर समझ लेना चाहिए,
जब अपनी माता के पास गई, गले से लगाया, फिर पिताजी के पास जाने लगी। यज्ञ में बड़ी सी खुर्ची, सोने की खुर्ची पे दक्ष प्रजापति अहंकार से बैठा हुआ था। सती मैया ने देखा, दूर से हाथ जोड़ा, जाने लगी पिताजी के पास। दक्ष ने देखा मेरी बेटी आई, मुंह मोड़ लिया, उन्होंने अपना अपमान का घूट पी लिया। लेकिन जब पूरे यज्ञशाला में देखा, इंद्र के लिए भाग, वरुण देवता के लिए भाग, गरुड़ देवता के लिए भाग, हर एक के लिए, चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, हर एक के लिए भाग था। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा था, तुम इस यज्ञ में मत जाना, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। लेकिन देवता लोग तो देवता थे, वो चले गए। सारे छोटे से छोटे देवता बैठे थे, औरव देवता बैठे थे, औरव देवता सबसे छोटे माने गए है, औरव देवता तक बैठे थे। हमने आपको कल बताया था, औरव देवता पितरों के देवता है, औरव देवता बैठे थे, हर एक देवता बैठे थे वहां पर। लेकिन शंकर भगवान के लिए कोई आसन नहीं लगा था, कोई यज्ञ के लिए कुछ सामग्री शंकर भगवान के लिए नहीं रखी गई थी। पतिव्रता नारी अपना अपमान सह सकती है, पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। क्रोध में भर गई सती मैया, जगदम्बा रूप में आकर दक्ष प्रजापति को कहते, हे दक्ष प्रजापति, तुमने मेरे लिए आसन नहीं रखा, कोई बात नहीं, तुमने शिव जी के लिए आसन नहीं रखा, एक पतिव्रता नारी के सामने पति का अपमान किया है। मैं शास्त्र कहता है कहीं शिव का अपमान हो रहा है तो कान में उंगली डाल के चले जाओ, सामर्थ्यवान हो तो जीभ काट दो। मैं दोनों नहीं कर सकती, जीभ काटूंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, नहीं काट सकती, कान में उंगली डाल के जाऊंगी तो शंकर भगवान कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, कैसा स्वागत हुआ। मैं क्या बोलूंगी, मुझे स्वाभिमान था मेरे पिता दक्ष है, लेकिन तुम्हारे वीर से मैं प्रकट हुई हूँ। आज मुझे पता चला मेरे अंदर जो खून है वो शिवद्रोही का है, मैं शरीर को ही नहीं रहने दूंगी, मैं इस शिवद्रोही शरीर को शंकर के सामने नहीं ले जा सकती। तुरंत खड़े हो गई, पैर के अंगूठी से अग्नि प्राप्त हो गई, पैर के अंगूठे से अग्नि निकली और अग्नि देवता को सती मैया ने आज्ञा दी, जितना भी भजन किया है, हे अग्नि देवता प्रकट होके मुझे भस्म कर दो। तुरंत अग्नि प्रकट हो गई, सती मैया का शरीर जलने लगा। शरीर जब जल रहा है, भूत प्रेत नंदी भृंगी श्रृंगी तीनों ने देख लिया सती मैया का शरीर जल रहा, क्रोध में आ गए, पूरी यज्ञशाला पे प्रहार कर दिया। यज्ञ के आचार्य जी भृगु जी ने सभी को भगा दिया। भगाने के बाद शंकर भगवान के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा, शंकर भगवान कुछ पता है संसार में क्या हो रहा है और आप राम राम कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, क्या हुआ? तो कहा, तुम्हारी अर्धांगनी अर्थात पत्नी सती मैया का देहांत हो चुका है, किस कारण के वजह से? दक्ष प्रजापति ने तुम्हारा अपमान किया, सती मैया नहीं सह पाई, देह भस्म कर दिया। शंकर भगवान को क्रोध आ गया। मैं कह रहा था सती थे कि कभी मत जाना उस यज्ञ में, सती मैया गई, यही उसका दंड था। लेकिन दक्ष प्रजापति को दंड देना आवश्यक है। सिर से जटा निकाली, जमीन पर पटका, तुरंत वीरभद्र प्रकट हो गए, दूसरी जटा निकाली, महाकाली प्रकट हो गई और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, क्या आज्ञा है यज्ञस्तम, क्या आज्ञा है हमारे लिए? तो कहा कि आपके लिए आज्ञा है कि जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग करके भस्म कर दो। दोनों हर हर महादेव कहते हुए निकले, वेग गति से जा रहे थे, भूत प्रेत हार के आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वीरभद्र आ रहे, और जोश में आ गए, तुरंत यज्ञशाला की ओर घेर लिया। देवताओं ने देखा भूत प्रेत नंदी वीरभद्र महाकाली इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने आदेश दिया, कोई भी भागने ना पाए, तुरंत सारे देवी देवताओं को पकड़ना प्रारंभ किया। नंदी ने भृगु जी को पकड़ा, भृगु जी से कहा कि यज्ञ में भाग लिया है,
तो पूरा करके तो जाओ, प्रसाद तो लेके जाओ अभी हमारे हाथ का। सबको एक जगह पे बांधा, बांधने के बाद अब कहा अब इन लोगों का क्या किया जाए। दक्ष प्रजापति को भी बांधा तो कहा ये जो दाढ़ी वाले बाबा है देवता भूत प्रेतों ने कहा ये दाढ़ी वाले बाबा खूब हमारी पिटाई लगाते हैं। तो वीरभद्र ने कहा अच्छा ये दाढ़ी वाले बाबा पिटाई लगाते, तुरंत हाथ लिया जोर से दाढ़ी खींच ली और दाढ़ी उनके पिताजी ब्रह्मा जी के हाथ में थमा ली। लो तुम्हारे बेटे की दाढ़ी, खुद उत्पात कर करके रखा था इन्होंने, लो दाढ़ी। आगे गए भग नाम के देवता थे, कहा कि ये बत्तीसी निकाल के बहुत हंस रहे थे। अच्छा ये तुम पर हंस रहे थे, शंकर भगवान पे हंस रहे थे, एक मुष्टिका हमारे बेचारे बेदाती हो गए। दक्ष प्रजापति की बारी आई, सिर धड़ घुमाया, धड़ से अलग करके यज्ञ में विध्वंस कर दिया और कहा कि यज्ञशाला को विध्वंस कर दो, जो भुक्कड़ भूत प्रेत थे ना, भुक्कड़ खाने वाले बहुत ज्यादा, वो भूत प्रेत भंडारे में चले गए और राई के बड़े कुंड में डुबकी लगा रहे, राई के कुंड में डुबकी लगा के हर हर महादेव कहने लगे। दाल की एक भूत प्रेत, एक भूत दाल के कुंड के पास पहुंचा, अरे वाह बहुत सारे दाल मिल गए, उठाया पूरे कुंड को एक साथ ही निपट गया, एक साथ खा गया। सारे देवी भूत प्रेतों ने यज्ञशाला को भंडारे को सब कुछ नष्ट कर दिया और हर हर महादेव कहते हुए निकले, शिव जी के पास पहुँचे। तो देवता लोग थे ना, किसी के हाथ तोड़ दिया, किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के आँख नोच ली भूत प्रेतों ने। अब वो लंगड़ते लंगड़ते कोई एक आँख से देखते देखते चला ब्रह्मा जी के पास, हाथ जोड़ते कहा कुछ करो हमारा। ब्रह्मा जी बोले थे देखो सभा समारोह में तो ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, लेकिन जो यज्ञ हुआ था उसमें ब्रह्मा विष्णु नहीं आए थे, क्योंकि विष्णु भगवान को पता था अपमान होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कह दिया था देवताओं को मत जाना, देवता गए। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो पहले ही कहा था, अब तुम्हारी गलती। तो कहा क्षमा करना, हम आपके पुत्र हैं, ऐसा मत कीजिए। तो कहा ठीक है, जिनके भूत प्रेतों ने किया उनके पास चलो। तो कहा शिव जी तो हम पे रुष्ट हुए हैं, हमको और कुछ मार देंगे, हमारा एक पैर बचा वो भी तोड़ देंगे, क्या करें। तो कहा पहले हम जाते हैं, मामला अच्छा दिखा दिया तो फिर तुमको बुलाएंगे, ठीक है। दूर देवता खड़े रहे और दूर से देखा शंकर भगवान का वैराग्य रूप, शंकर भगवान ने जटाएं धारण कर ली थी, कमंडलू लेके वैराग्य को धारण कर लिया, अब मैं विवाह नहीं करूंगा, वैराग्य ले लिए। देखा देवताओं ने, ब्रह्मा जी का हाथ जोड़कर कहा आपको प्रणाम है, हमें क्षमा कीजिए, हमने ये गलती कर दी। शंकर भगवान कहते कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मामला अच्छा है, इधर आ जाओ। सारे देवता आए, हाथ जोड़ कर कहने लगे क्षमा कीजिए प्रभु। शंकर भगवान कहते आशीर्वाद देता हूँ, जो दाढ़ी वाले बाबा थे ना, नाम क्या था दाढ़ी वाले बाबा का बोलो किसी को पता है क्या, भूल गए, नहीं पता, भृगु देवता, भृगु मुनि, उनका नाम था जो यज्ञ के आचार थे वो भृगु, वो भृगु देवता, वो देवता भी थे, एक बात स्पष्ट कर देंगे, वो देवता भी थे और वो मुनि भी थे, और हर एक मुनि देवता के समान होता है, लेकिन उन्होंने देवता का भी पद प्राप्त किया था और मुनि का भी पद प्राप्त किया था। उनको कहा कि कोई बात नहीं, तुमको दाढ़ी पे हाथ घुमाने की बहुत आदत है ना, एक काम करो, बकरे की दाढ़ी देखी है क्या, हाँ बकरे की दाढ़ी कितनी होती है, उतनी दाढ़ी आ जाएगी तुमको। तो कहा बस इतने में हाथ घुमाने तक काम चाहिए, बस ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक ठीक। और जो जिसके दांत तोड़े थे भग देवता आए, भग देवताओं से कहा अब हम खाएंगे कैसे, हमारे दांत ही नहीं है। भगवान शिव जी बोले खाने की जरूरत क्या, सत्तू जानते ना सब। भगवान शिव जी बोले खाने का झंझट ही नहीं, सत्तू घोल घोल के पी लेना,
खाने का झंझट ही नहीं। और कहा अब आप, आपने सबको वरदान दिया है, अब आप चलकर अपने ससुर जी का भी उद्धार कीजिए। तो कहा हमको श्राप मिला, हम कैसे यज्ञ में जाएंगे। तो कहा देवता लोग कहते आपके आशीर्वाद से हम आपको वरदान देते हैं। सारे देवताओं ने एक के ऊपर हाथ रखकर अपनी एक शक्ति को मिलाया और कहा हम एक वरदान देते हैं। जो भी यज्ञ में ब्राह्मण देवता यज्ञ कराते आखिरी में इतनी सी सामग्री बचा के रखते हैं, क्योंकि इतनी सी सामग्री शंकर भगवान का भाग होता है। देवताओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर कहा कि हम ये आशीर्वाद देते हैं प्रभु, हमारा सामर्थ्य नहीं आपको आशीर्वाद दे पाए, लेकिन हम आपको ये वचन देते हैं। देवता लोगों का यज्ञ होता है, जो भी सामग्री बचती है वो शंकर भगवान की मानी जाएगी। शंकर भगवान चले, ससुर जी का धड़ पड़ा था, सिर नहीं था। तो कहा उनकी हालत देखकर शिव जी को करुणा आ गई, मेरे शिव जी कितने दयालु हैं, कितने करुणा निधान हैं, जिनके वजह से खुद की पत्नी छीन गई उनको भी क्षमा कर दिया। कहा श्राप मिला है तो श्राप को भी पूर्ण कर लेते हैं। गए बकरे का सिर लाया, बकरे का, और ससुर जी के सिर पे लगा दिया। ससुर जी उठे और ससुर जी ने मैं करना प्रारंभ कर दिया, स्तुति कर रहे, कैसी मैं स्तुति चल रही है। आप रुद्राभिषेक होता है ना, तो रुद्राभिषेक में जो अंत के अध्याय होते उसमें ज़्यादातर मैं आता है, क्योंकि वो स्तुति दक्ष प्रजापति ने करी थी। बम बम बोलते हैं ना भगवान के मंदिर में जाके, बम बम भोले क्यों बोलते हैं, ये भी दक्ष प्रजापति की बकरी की वाणी थी बम बम। जब भगवान ने बम बम सुना तो भगवान खिलखिला के हंसने लगे, जब हंसने लगे तो उन्होंने वरदान दे दिया, जो भी मेरे मंदिर में आके ये बम बम बोलता है, मुझे मेरे ससुर जी की याद आती है, मुझे आनंद होता है, जो भी मंदिर में आके बम बम बोलता है उसकी सारी कामनाओं को मैं तुरंत कुछ मास में ही पूर्ण कर दिया करता हूँ, सारे मनोरथ को पूर्ण कर देता हूँ।